हेलो बच्चों, कैसे हो सभी? आई होप कि सभी बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत ही इन्जॉय कर रहे होंगे, ठीक है ना। मैं NSY एजुकेशन से विनय राय, मैथ्स के लिए। तो बच्चों, मैथ्स में आज मैं आपके लिए बहुत ही एक शानदार टॉपिक क्लास 9th का लेके आया हूँ, जिसका नाम है कॉन्ग्रुएंस ऑफ अ ट्रायंगल। तो बच्चों, कॉन्ग्रुएंस ऑफ अ ट्रायंगल से पहले थोड़ा सा मैं कॉन्ग्रुएंस के बारे में आपको बताता हूँ। क्या होता है कॉन्ग्रुएंस? कॉन्ग्रुएंस बच्चों होता है कि जब कोई फिगर, कोई भी फिगर, जैसे मान लो कि कोई स्क्वायर है, उसकी साइड 4 सेंटीमीटर है, और एक दूसरा स्क्वायर है, ABCD की स्क्वायर है, उसकी साइड 4 सेंटीमीटर है। यहाँ पे देखो, हाँ, 4 सेंटीमीटर। और दूसरा एक स्क्वायर है PQRS, और इसकी भी एक साइड कितनी है? 4 सेंटीमीटर है। तो ये बताओ, ये स्क्वायर इस स्क्वायर के क्या कहलाएगा? अगर इस स्क्वायर को इस स्क्वायर के ऊपर बिल्कुल ऐसे रख दिया जाए, तो इसकी सारी साइड, सारे साइड्स के इक्वल, इसके सारे कॉर्नर्स बिल्कुल एग्जैक्टली इस फिगर के ऊपर फिट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? जब एक फिगर दूसरी फिगर के ऊपर एग्जैक्टली फिट हो जाता है, तो उसी को बोलते हैं कॉन्ग्रुएंस, ठीक है ना बच्चों। जैसे ही आप देखिए, मेरे हाथ में दो मार्कर है, ठीक है ना, दो मार्कर है बच्चों। अब ये मार्कर की साइज, लेंथ एग्जैक्टली एक दूसरे से मैच कर रही है कि नहीं कर रही है? तो ये मार्कर इस मार्कर के बिल्कुल कॉन्ग्रुएंस है। बोल सकते हैं कि ये मार्कर इस मार्कर के कॉन्ग्रुएंस है। अभी हमारे हाथ में ये हमारे हाथ के दो पंजे, देखिए ध्यान से, हाथ के अगर हमारी ये दो पंजों को अगर हम ध्यान से ऑब्जर्व करें, तो ये देखिए एक दूसरे के ऊपर बिल्कुल एग्जैक्टली फिट हो जा रहा है, ठीक है ना। यानी ये हमारा जो हाथ है, वो एक दूसरे के बिल्कुल कॉन्ग्रुएंस है। तो कॉन्ग्रुएंसी से आपको एक आइडिया आ गया कि जो फिगर एग्जैक्टली एक दूसरे के ऊपर फिट हो जाता है, उसी को बोलते हैं कॉन्ग्रुएंस फिगर। जैसे एक सर्कल 5 सेंटीमीटर उसका रेडियस, ठीक है ना, और दूसरा भी एक सर्कल, उसका भी रेडियस 5 सेंटीमीटर, तो ये सर्कल इस सर्कल के क्या बोला जाएगा? कॉन्ग्रुएंस बोला जाएगा, ठीक है ना बच्चों। अगर इसका रेडियस 6 सेंटीमीटर हो गया, इसका रेडियस 5 सेंटीमीटर हो गया, तो दे आर नॉट कॉन्ग्रुएंस टू ईच अदर। मतलब ये एक दूसरे के ऊपर फिट नहीं हो जाएंगे, फिट नहीं हो पाएंगे। ये वाला फिगर इसके अंदर आओगे, रखोगे, तो ये कुछ इसके अंदर इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है ना। तो कॉन्ग्रुएंसी के लिए साइड्स, कॉर्नर, उसके सारे एंगल्स का एक दूसरे के साथ एग्जैक्टली मैच करना बहुत जरूरी होता है। तो कॉन्ग्रुएंस का आइडिया आपको लग गया होगा। अब आते हैं ट्रायंगल्स के लिए, ठीक है ना। तो ट्रायंगल में कॉन्ग्रुएंसी क्या होती है, बिल्कुल आपको आइडिया मिल गया होगा। अगर एक ट्रायंगल ABC है और दूसरा ट्रायंगल PQR है, ठीक है ना, PQR है, तो इस अगर हम ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट है, तो ये ट्रायंगल इसके ऊपर फिट कर दो, तो इसका हर कॉर्नर के ऊपर आ जाना चाहिए, बिल्कुल सेट हो जाना चाहिए, तब हम बोलेंगे कि ABCPQR के कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। कॉन्ग्रुएंसी लिखने के लिए हम इस साइन का यूज करते हैं, ABC, ये थोड़ा सा ऐसे कर्व, और नीचे दो स्ट्रेट लाइन, ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR, ठीक है ना बच्चों, ये कॉन्ग्रुएंसी। अच्छा, कॉन्ग्रुएंसी में मैंने बताया कि ये फिगर इस फिगर के एग्जैक्टली फिट हो जाना चाहिए, तो मतलब AB अगर साइड 10 सेंटीमीटर है, तो इसके करिस्पोंडिंग ये PQ भी 10 होना चाहिए। अगर BC यहाँ पे 8 सेंटीमीटर है, तो QR को भी 8 होना पड़ेगा। अगर AC हमारा 9 सेंटीमीटर है, तो इसको भी 9 सेंटीमीटर का होना पड़ेगा। अगर ये एंगल हमारा 70 डिग्री है, तो इसके करिस्पोंडिंग इस एंगल को भी 70 डिग्री होना पड़ेगा। अगर ये 60 डिग्री है, तो इस एंगल को भी 60 डिग्री होना पड़ेगा। अगर ये तीसरा एंगल, तो आप निकाल ही सकते हो, 70 और 60, 130, तो तीसरा एंगल 50, तो तीसरा एंगल भी ऐसे 50 डिग्री इसको होना पड़ेगा, ठीक
ठीक है ना, हर साइड दूसरे ट्रायंगल के हर करिस्पोंडिंग साइड्स के इक्वल होना चाहिए, हर एंगल्स दूसरे ट्रायंगल के उसी के करिस्पोंडिंग एंगल्स के इक्वल होना चाहिए। मैं एक वर्ड यूज कर रहा हूँ बार बार, करिस्पोंडिंग, ठीक है ना। करिस्पोंडिंग की मीनिंग होती है कि जैसे मान लो कि यहाँ का 70 है तो दूसरे ट्रायंगल में भी कोई एक एंगल 70 होना चाहिए, तो ये एंगल ए एंगल पी के करिस्पोंडिंग एंगल बोला जाएगा। इसी तरीके से अगर एंगल बी यहाँ पे 60 है और यहाँ पे क्यू 60 है तो एंगल बी क्यू के करिस्पोंडिंग एंगल है, और तीसरा एंगल सी 50 डिग्री तीसरे एंगल आर के करिस्पोंडिंग है। दिस इज द मीनिंग ऑफ करिस्पोंडिंग एंगल्स। तो क्या बच्चों, हर बार हमें इन तीनों साइड्स को तीनों साइड्स के इक्वल दिखाना पड़ेगा, या तीनों एंगल्स को कॉन्ग्रुएंसी के लिए तीनों एंगल्स के इक्वल दिखाना पड़ेगा? क्या हर बार हमें ऐसा ही काम करना पड़ेगा कॉन्ग्रुएंसी में, तभी कॉन्ग्रुएंट हम प्रूफ कर पाएंगे? ऐसा नहीं है। केवल कुछ ही क्राइटेरिया का यूज करके हम कॉन्ग्रुएंसी को, ट्रायंगल की कॉन्ग्रुएंसी को एक दूसरे के इक्वल दिखा सकते हैं, केवल कुछ क्राइटेरिया का। वो क्राइटेरिया क्या है बच्चों, आप वो आज समझेंगे बहुत अच्छे से, और मन लगा के ध्यान से वीडियो को देखते रहिए। अगर अच्छा लगे तो बिल्कुल अपने दोस्तों को बताइए, शेयर करिए और सब्सक्राइब भी करवाइए। तो देखिए, कॉन्ग्रुएंसी होने के लिए एक ट्रायंगल ये हमारा रेड वाला था ए बी सी, और दूसरा ट्रायंगल यहाँ पे एक हमने ब्लैक कलर से बना दिया, दैट इज पी क्यू आर। तो क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंसी क्या होता है? क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंसी के लिए पहला क्राइटेरिया होता है एस ए एस। एस ए एस क्या? एस का मतलब साइड, ए का मतलब एंगल, और अगेन एस का मतलब साइड, साइड एंगल साइड। अब इसका मतलब आप समझ लीजिए, अगर मानते हैं कि अगर ए बी, ए बी साइड इस पी क्यू साइड के इक्वल है, ठीक है ना, और एक एंगल अगर ये बी इस सी के इक्वल है, तो दूसरा ये जो साइड बी सी होगा ये क्यू आर के इक्वल इसको होना पड़ेगा। तो दो साइड के बीच का एंगल, दो साइड के बीच का एंगल ही एस ए एस कहलाता है, ठीक है ना। कोई भी नहीं, अगर अगर हमारा ये साइड और ये साइड लिया गया और ये साइड और ये साइड हो गया, तो इस एंगल को इक्वल नहीं होना है, तो हमारा इन दोनों साइड्स के बीच में ये जो एंगल है इसको इक्वल होना पड़ेगा, तब ये एस ए एस कहलाएगा, तब हमारा ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के एग्जैक्टली इसके ऊपर ये रखो तो बिल्कुल फिट हो जाएगा, तब इसका पहला क्राइटेरिया फुलफिल होगा एस ए एस का। तब हम बोल सकते हैं ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी क्यू आर। अच्छा बच्चों, एक चीज और ध्यान से देखना, कॉन्ग्रुएंसी के लिए यहाँ पे ए बी सी लिखा ना, तो ये ए बी जो वर्ड है इसके पी क्यू से मैच करना चाहिए, ए बी साइड पी क्यू साइड के इक्वल, ठीक है ना। अगर ये 10 सेंटीमीटर है तो ये भी 10 का हो गया। यहाँ पे बी सी, बी सी अगर 12 सेंटीमीटर मान लेते हैं तो यहाँ भी बी सी कितना होना पड़ेगा 12। यानी लिखने के लिए भी हमें क्या करना होगा, इसी के करिस्पोंडिंग साइड्स और एंगल्स को लिखना पड़ता है कॉन्ग्रुएंसी के लिए। दूसरा क्राइटेरिया देखते हैं, दूसरा क्राइटेरिया है बच्चों एंगल साइड एंगल। तो एंगल साइड एंगल के लिए क्या होता है, फटाक से इस फिगर को इरेज करके एक दूसरा फिगर बनाता हूं। देखो एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल का मतलब दो एंगल के बीच का साइड, मतलब दो एंगल है ना उसके बीच में है, और यहाँ पे दो साइड के बीच का एंगल है। तो इससे मतलब ये है कि अगर हमारा ये ट्रायंगल ए बी सी है ना, और दूसरा ट्रायंगल हमारा ये पी क्यू आर है, तो देखो क्या होता है, मान लेते हैं कि एंगल ए एंगल पी के इक्वल है, यहाँ पे लिख देते हैं एंगल ए की जो वैल्यू है दूसरे ट्रायंगल के किस एंगल के इक्वल हो गया, पी के, और यहाँ पे अगर ये बी है तो ये किसके इक्वल हो गया, मान लेते हैं क्यू के इक्वल हो गया, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, ठीक है ना। तो इन दोनों एंगल्स के बीच वाली साइड कौन सी है, कौन सी है, ये, ठीक है ना। तो हमको इसी साइड को लेना पड़ेगा, यानी ए बी का
पी क्यू के इक्वल होना पड़ेगा। यहाँ पे एंगल साइड एंगल का यही मीनिंग होता है। अगर हमारा इधर कोई साइड हो गया ना तो वो फिर ये ए एस सी क्राइटेरिया यूज नहीं होगा, तो हमको लिखना पड़ेगा ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, तब हम लिख सकते हैं ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी क्यू आर। दिस इज कॉल्ड ए एस सी क्राइटेरिया, ठीक है ना। ए एस सी क्राइटेरिया से ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। तीसरा क्राइटेरिया बच्चों आता है, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, आप पॉज करके आप इसको नोट भी कर सकते हो, ठीक है ना। और मुझे लगता है कि नोट करना अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए, नोट भी करते रहिए साथ साथ कमेंट भी करते रहिए, जो चीज़ ना समझ में आए आप कमेंट में करिए, आपको वो भी डाउट क्लियर किया जाएगा। तीसरा क्राइटेरिया एंगल साइड एंगल हो गया। अब लेते हैं ए ए एस एंगल एंगल साइड। एंगल एंगल साइड में क्या होता है, एक ट्रायंगल लिया ए बी सी, दूसरा ट्रायंगल लिया पी क्यू आर, दो एंगल कोई सा भी। देखो बच्चों साइन का बड़ा यूज है, अगर ऐसे फिगर में बन के आ गया ना तो हम समझ जाएंगे अपने आप कि एक लाइन वाला इस वाले एंगल के बराबर है और दो दो लाइन वाला इस वाले एंगल के बराबर है, ठीक है ना। तो यहां पे एंगल ए इस बार एंगल पी के बराबर हो गया और दूसरा एंगल सी एंगल आर के बराबर हो गया, ठीक है ना। अब तीसरी साइड की बात कर रही, अगर तीसरा साइड मान लेते हैं हमारा ए बी लिया गया तो यहाँ पे तीसरी साइड पी क्यू, मतलब इसी के करिस्पॉन्डिंग ये साइड हमें लेना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इसको कहते हैं एंगल 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 साइड क्राइटेरिया से ये ट्रायंगल एग्जैक्टली इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट हो गया, ठीक है ना। कॉन्ग्रुएंट हो गया तो बाकी चीज़ें आपको पता ही हैं कि कैसे इसको लिखना है। अब देखिए आगे चलते हैं चौथे क्राइटेरिया पे। चौथा क्राइटेरिया क्या है, बहुत ही सिंपल सा है, दैट इज कॉल्ड द एस 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 क्राइटेरिया, ठीक है ना। एस 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 में एंगल वर्ड का यूज नहीं है, इसमें है एस 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 मीन्स साइड साइड साइड। तो साइड 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 से आपको आइडिया लग गया होगा कि मैं क्या बोलने वाला हूँ। साइड 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 से मैं ये बोलने वाला हूं कि अगर एक ट्रायंगल की तीनों साइड दूसरे ट्रायंगल की तीनों करिस्पॉन्डिंग साइड्स के इक्वल हो जाए तो ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट हो जाता है। जैसे अगर मानते हैं ये बी सी हमारा 15 सेंटीमीटर है तो क्यू आर को भी 15 होना पड़ेगा, क्यू आर को 15 होना पड़ेगा, मीन्स अगर बी सी को मैंने क्यू आर के इक्वल लिख दिया। फिर मैंने मान लो कि यहाँ पे AC को लिख दिया, यहाँ पे AC दो लाइन से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और वो PR के इक्वल है, AC इज इक्वल टू PR, ठीक है ना। ये मान लो कि ये 13 सेंटीमीटर है तो ये भी 13 होना ही पड़ेगा इसको, और AB अगर हम मान लेते हैं 9 सेंटीमीटर है तो PQ को क्या होना पड़ेगा, 9 होना पड़ेगा। तो जरा मैच करा लो, AB के करिस्पॉन्डिंग साइड PQ इसके इक्वल हो गया, BC के करिस्पॉन्डिंग QR इक्वल हो गया और AC के करिस्पॉन्डिंग PR इक्वल हो गया। दिस इज कॉल्ड द साइड 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 क्राइटेरिया। तब हम लिख सकते हैं ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR। फिर से एक बार देख लो, ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी क्यू आर, ठीक है ना। ये अब एक लास्ट क्राइटेरिया होता है आर एच एस क्राइटेरिया। आर एच एस क्राइटेरिया उसमें देखते हैं बच्चों क्या होता है। आर एच एस क्राइटेरिया आर एच एस आर एच एस तो आर एच एस का मतलब होता है राइट एंगल हाइपोटीनियस एंड वन साइड। तो राइट एंगल हाइपोटीनियस का मतलब क्या होता है बच्चों, हमको राइट एंगल एक ट्रायंगल बनाना पड़ेगा और एक और राइट एंगल ट्रायंगल बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के एग्जैक्टली कॉन्ग्रुएंट तब हो जाएगा जब दोनों ट्रायंगल में एक एक एंगल 90 डिग्री का हो और हाइपोटीनियस की साइड से मैच करता हूं, मींस अगर ये 25 है तो हाइपोटीनियस को भी बराबर होना पड़ेगा, 25 के इक्वल होना पड़ेगा। और तीसरी साइड
आरएचएस में तीसरी कोई भी साइड, तो तीसरी साइड कौन सी बच जाती है, या तो परपेंडिकुलर और बेस, ये पर हाइपोटेन्यूस क्या होता है आरएचएस में, हाइपोटेन्यूस होता है, परपेंडिकुलर होता है और बेस होता है। तो अगर परपेंडिकुलर साइड मैं लेता हूं तो दूसरे ट्रायंगल के भी परपेंडिकुलर साइड को इक्वल होना पड़ेगा, अगर ये 7 है तो ये 7 होना पड़ेगा इसको, तब हम बोल सकते हैं कि तब ये दोनों ट्रायंगल एग्जैक्टली एक दूसरे के बिल्कुल इक्वल हो जाएंगे, दिस इज कॉल्ड द आरएचएस। अच्छा बच्चों, एक छोटा सा और छोटा सा मैं क्वेश्चन देता हूँ, ठीक है, इसमें देखो, देखो अगर मान लो हमारे पास एक ट्रायंगल है ए बी सी और दूसरा ट्रायंगल है हमारे पास पी क्यू आर, ठीक है ना। मान लेते हैं कि ये जो ए बी है ना 10 सेंटीमीटर का है और एंगल बी हमारा है 60 डिग्री का और ये बी सी है हमारा 12 का, ठीक है ना। तो सेम इसी तरीके से मान लेते हैं ये हमारा 10 हो गया और ये हमारा 12 हो गया और इधर वाला हमारा 60 हो गया, ठीक है ना। तो बताओ इसमें कौन से साइड किस साइड के इक्वल है, यस ए बी इज इक्वल टू, इस बार क्या हो गया पी आर हो गया, बी सी इज इक्वल टू क्या हो गया, बी सी इज इक्वल टू क्यू आर हो गया, और ये एंगल बी इस वाले एंगल आर के बराबर हो गया। देखो मैंने इस बार इससे इसको मैच नहीं कराया, इससे इसको मैच कराया, लेकिन देखो क्या मैच हो रहा है, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, तो ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। अच्छा कॉन्ग्रुएंट होने के बाद तब आगे क्या होता है, कॉन्ग्रुएंट होने के बाद आगे ये होता है कि बाकी जो बची हुई साइड्स हैं और बाकी बचे हुए जो एंगल्स हैं वो ऑटोमेटिक एक दूसरे के इक्वल हो जाते हैं। एक दूसरे के इक्वल का मतलब कि अगर ए की बात करेंगे तो वो पी के इक्वल हो जाएगा, अगर सी की बात करेंगे तो वो अपने करिस्पॉन्डिंग क्यू के इक्वल हो जाएगा, तीसरी साइड जो ए सी बची है वो पी क्यू के इक्वल हो जाएगा। अगर ये सारी चीज़ें हमारे एग्जाम में पूछती हैं तो जैसे मान लो कि AC किसके इक्वल हो गया, AC तीसरी साइड क्या बची है PQ के इक्वल हो गया, ठीक है ना। और कौन सा एंगल, एंगल C किसके इक्वल हो गया, एंगल तीसरे वाले एंगल ये वाला इस वाले एंगल के इक्वल मान लेते हैं, ये Q के इक्वल हो गया। तो इसको लिखेंगे कैसे, बस इसको लिख देंगे बाई CP CT। CP CT की मीनिंग आप बताओगे मुझे, पॉज करो वीडियो और CP CT कमेंट में लिखो। CP CT इज करिस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, बहुत सारे बच्चे नहीं बता पाते हैं, करिस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो बच्चों आई होप कि आज का वीडियो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से मैं समझा पाया हूँगा। वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और अपने दोस्तों को बताइए, और ये क्लास बिल्कुल आपके लिए फ्री है, ज्वाइन करिए, आपसे आजीवन कोई कॉस्ट नहीं लगने वाला है, और आप हमारा उत्साहवर्धन करते रहिए, कमेंट करिए। थैंक यू वेरी मच।